Assalamualaikum. Welcome back to Jago Pakistan. Jago, जितने भी लोगों ने अभी join in किया है, बहुत सारा सलाम उनके लिए. मेरे साथ मौजूद हैं Dr. तस्नीम बट, जो 22 years से साथ काम कर रही हैं Patient Aid Foundation के साथ. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. वैसे हम लोग तो यही दुआ करते हैं कि डॉक्टर से दूर रहें, लेकिन आप अच्छी वाली मैं खुद भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह लोगों को बीमारी से और डॉक्टर से दूर रखे. बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. बिल्कुल सही. मुझे बताएं, ये जो पेशेंट एड फाउंडेशन, ये है क्या? ये एक्चुअली एक NGO है एंड नॉन गवर्नमेंट NGO एंड इट इज़ वर्किंग जिना हॉस्पिटल में. आज से 22 साल पहले कुछ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स थे ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली नन ऑफ देम आर डॉक्टर्स. इनमें से डॉक्टर कोई भी नहीं है. और इन्होंने मिलके ये फाउंडेशन बनाई थी बेसिक चीज़ों के लिए, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती थी. एंड जो सबसे इनिशियल इनकी चीज़ थी, वो इन्होंने ये स्टार्ट की थी कि उस ज़माने में ब्लड बैंक का बहुत बुरा हाल था. और आपको पता है कि बड़े हॉस्पिटल्स में जब ऑपरेशंस होते हैं और थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर खून की बहुत ज़रूरत होती है. और वहाँ पे उस वक्त ये हाल था कि मैं लिटरली, बिकॉज आई वॉज़ वर्किंग देयर, तो मुझे पता, मुझे अच्छी तरह से याद है कि लाइन में किस तरह से ये जो बच्चे नहीं होते प्रोफेशनल डोनर्स जो होते हैं, हेरोइन एडिक्ट्स और ये, वो लोग आके अपना खून बेच के जाते थे. तो उनके खून किस काम का? जी बिल्कुल. तो उसमें उस वक्त ये था कि कोई स्क्रीनिंग का वो नहीं था सेटअप. तो जिना हॉस्पिटल ने पेशेंट एड फाउंडेशन को पहला प्रोजेक्ट ये दिया कि जी आप इस पे काम करें. एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो कि अब तक के आ रहा था चल के. और अब माशाल्लाह, एज आई स्पीक ऑफ, हम दिन के 250 से ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ ब्लड हम डोनेट क्या कर रहे हैं, सप्लाई करते हैं डिफरेंट वार्ड्स में, जिसमें से 75% से ज़्यादा गाइनी एंड ऑप्स, जहाँ पे बच्चे डिलीवर होते हैं और ख़वातीन के प्रॉब्लम है, उसके लिए ये ब्लड इस्तेमाल होता है. और इसकी स्क्रीनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री होती है. वाओ. अच्छा, जो बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जी, तो किस तरीके से पेशेंट एड फाउंडेशन की मदद करें? वो बिल्कुल जिना हॉस्पिटल तशरीफ लाएँ. पेशेंट एड फाउंडेशन का वहाँ पर दफ्तर है और डायरेक्ट जाके ब्लड बैंक में वहाँ बता सकते हैं उनको कि जी हम डोनेट करने आए ब्लड. वो वहाँ पे आपका ब्लड चेक करेंगे, आपका ब्लड अच्छी क्वालिटी का है, जितने भी लोग, एवरीथिंग. तो ये जो ये पार्ट है ब्लड डोनेशन का, ये आप पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने अपने हाथों में ले लिया? बिल्कुल. सो क्वालिटी एवरीथिंग, हर चीज, जैसे क्योंकि जब हम जिना अस्पताल सोचते हैं, सफाई सुथराई हाइजीन एवरीथिंग का ख्याल रखा गया है. तो अगर कोई दो बार सोचने की जरूरत नहीं, हम आराम से जा सकते हैं. अक्सर आपके यहाँ, हमारे यहाँ जैसे हो जाते हैं इंसिडेंसेस, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कभी कुछ हो गया, कभी आग लग गई, कभी कुछ, तो इस तरह पता नहीं हज़ारों की तादाद में बच्चे वहाँ आते हैं, लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं. और आके मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आके वहाँ डोनेट करें. और वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आगे ऐसा भी है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस किसको कौन सी बीमारी है. आगे फिर उसका ब्लड नहीं जाता, नहीं इस जाता. तरह उस पेशेंट को भी पता चल जाता है कि भाई मुझे ये तकलीफ है. हाँ. तो आई शुड टेक केयर ऑफ इट. बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, साइबर नाइफ. साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ इट्स ए रोबोटिक रेडियो सर्जरी इसको कहते हैं. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक रोबोट है और ये इट्स एक्चुअली कॉल्ड अ मिरेकल मशीन. कैंसर आपको पता है कि कितना कॉमन हो गया है. हर वक्त ऐसे लगता है जैसे फ्लू है ना, हर किसी वैसे को हर दूसरे तीसरे बंदे को आप सुने तो कैंसर की शिकायत है. तो ये टेक्नोलॉजी वो है जो इट्स अ वर्ल्ड वाइड थिंग. 250 मशीन्स हैं पूरी दुनिया में एंड ज़्यादातर इसमें से जो मशीन्स हैं वो USA में ही हैं, अमेरिका में हैं. मगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई है 5 साल पहले और ये हम यहाँ लेके आए उन लोगों के लिए जहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेन, स्पाइन, इन एरियाज़ में ट्यूमर्स होते हैं जो कि जिनकी आप सर्जरीज नहीं कर सकते. अब कभी वो इतने डीपली सीटेड होते हैं कि उसमें आप अगर नाइफ कट करके अगर न्यूरोसर्जन जाता है अंदर, तो वो उससे ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा. अच्छा. होते हैं. आपकी कभी नज़र चली जाती है, कभी कोई पैल्सी हो जाती है, कभी पैरालिसिस हो जाता है. तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एंड डॉक्टर कह रहे थे कि जी हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वेयर साइबर नाइफ कम्स इन. साइबर नाइफ ये करती है कि आपको बगैर एनेस्थीजिया, बगैर किसी इंसिशन,
बगैर किसी साइड इफेक्ट के वो आपको ट्रीट कर देती है। किस तरह ट्रीट करती है? और वो इस तरह करती है कि ये जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, हाँ, आप लोगों को नहीं यकीन आएगा। नहीं आएगा, हाँ। ये सब समझते हैं कि जैसे पता नहीं कहाँ से मार्स से कोई चीज़ आ गई, हाँ। है और इस तरह रोबोट चल रहा है। नो, इट इज़ एक्चुअली डन इन JPMC। आई एम वेरी प्राउड, आई एम जस्ट अनाउंसिंग दैट ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट्स एड फाउंडेशन कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत फ़खर की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी एक सेशन की जो चार्जेस हैं जो बाहर ली जाती हैं वो $50,000 से $90,000 है, एक सेशन की। माइंड इट, एक सेशन की session. और पेशेंट कर ही नहीं पाएगा जी, बहुत मुश्किल है। इवन बाहर के लोगों के लिए भी ये इंश्योरेंस कवर नहीं करती बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है। पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिना हॉस्पिटल में, ये आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में वाहिद मशीन है जो कि ट्यूमर ऑफ ब्रेन, ऑल बॉडी, स्पाइन, ब्रेन, प्रोस्टेट, लिवर, लंग, पैनक्रियास, हर जगह का ट्यूमर ट्रीट करती है without any cost, irrespective of color, caste and ethnicity. जिस किस्म की कॉस्ट आप बता रही हैं, 50,000 से $90,000 and even more. Even more. और कोई अमीर से अमीर तरीन इंसान भी 10 दफा सोचे, मतलब एक दफा करा लेगा उसके बाद बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अक्सर तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं आप वो लुट लुटा के आते हैं, कीमो एक्सपेंसिव है, रेडिएशन एक्सपेंसिव है, साइड इफेक्ट्स हैं, आपको कीमो की जरूरत किसी चीज की डायरेक्ट। इट इज एन OPD प्रोसीजर एंड मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आए और आके देखें कि आप, कई जगहों पे मैंने सुना है लोग अक्सर कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जिना हॉस्पिटल में ये हो रहा है, हाँ। और जिना में वो हो रहा है, तो ये भी देखें, जिना में ये भी हो रहा है। मगर जिना में जो अच्छा हो रहा है वो भी तो आके देखें कि जिना में, अगर जिना की इमरजेंसी रोज मोर देन 1200 पेशेंट्स टेक केयर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज एन अमेजिंग थिंग। डॉक्टर सीमी जमाली डायरेक्टर हैं और वो जिस तरह से उसको लेके चल रही हैं, आफरीन है उन पर कि हमारे पास किस किस तरह के केसेस आते हैं, इवन गोलियां चल जाती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और उस उन हालात में भी हम तो वहाँ खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पेशेंट्स एड फाउंडेशन का के फ्यूचर प्लान्स में क्या क्या शामिल है? पेशेंट्स एड फाउंडेशन का फ्यूचर प्लान जो है, एक तो ये बहुत सारी चीज़ें तो वो ऑलरेडी ही कर रहा है JPMC में, बट अभी रिसेंटली ही, अभी कल ही चीफ मिनिस्टर आए थे सिंध के और उन्होंने पेट स्कैन जो है हमारा इनॉग्रेट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ पेशेंट्स एड फाउंडेशन जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज़ गवर्नमेंट एंड पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने मिल के कोलेबोरेशन में ये काम किया है। ये अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की मशीन है और ये हम लोगों ने जिना हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में लगवाई है विथ अलॉन्ग विथ सिंध गवर्नमेंट। सो ये बताते हुए भी मुझे बहुत वो हो रहा है कि जी अगेन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये अगेन आई वांट यू गाइस टू नो कि इस टेस्ट के पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 60,000 से 65,000 चार्ज किए जाते हैं और पेशेंट्स एड फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तवस्सुत से जिना हॉस्पिटल में ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। एब्सोल्युटली फ्री, अफसोस की बात है ना। ये इसके साथ साथ मैं ख्वातीन के लिए आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, आई वुड लाइक आपके उससे जा रही हूँ मैं चैनल के थ्रू, आई वुड लाइक टू से कि आपने सुना होगा कि ख्वातीन में ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है। आजकल तो यंग ख्वातीन में भी, यंग लड़कियों में भी ये कॉमन है। मैं मिन्नत करती हूँ, प्लीज़ अपने घर में ख्याल रखें, अपनी बच्चियों का, माएँ अपना ख्याल रखें। वो इस तरह से कि ये, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको मेमोग्राफी कहते हैं, वो लोग इसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं, सोशल टैबूज़ हैं, लोग झिझकते हैं, बताते नहीं हैं, जो कि गलत है। आप एक तो घर में अपने बच्चों को सिखाएं कि आपने सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, नहाते वक्त अपनी, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आपने बच्चे को बताना है कि जी आपने उसको एक तरह से आप एक एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं। जितनी भी माएं अभी देख रही हैं आपकी वजह से बहुत से लोग सीख जाएंगे। प्लीज मैं आप लोगों के साथ बाद में इनका जो टेलीफोन नंबर है वो भी शेयर करूंगी।
फेसबुक पे हमारा पेज है बाय द नेम ऑफ पेशेंट्स एड फाउंडेशन, आप उस पर भी जा सकते हैं. मगर जिना हॉस्पिटल में आप यू जस्ट वॉक इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सेकंड फ्लोर पे आप आइए और वहाँ डायरेक्ट जाके आप उनसे कहिए कि आपने अपना मैमोग्राम करवाना है और वहाँ पे आप अपना मैमोग्राफी करवाइए जाके. That is going to cost you nothing. इससे पहले माएं किस तरह बताएं कि आप देखिए लंप्स हो जाते हैं, आपकी गुठली हो जाती है, कोई भी चीज फील होती है जरा सी, अगर मटर के दाने के बराबर भी आपको कोई चीज फील होती है तो वो आप जरूर आके चेक जरूर करवा लें. देखिए हमने उस जगह पे अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी और मैमोग्राफी की मशीन, तीनों चीजें इंस्टॉल की. यहाँ डॉक्टर साहब मेरे शो का वक्त खत्म हो गया. थैंक यू सो मच. इन 10 से 15 मिनट में आपने बहुत कुछ हमें बता दिया और सिखा भी दिया. प्लीज आगे बढ़े एंड पेशेंट्स एड फाउंडेशन की मदद करें, ब्लड डोनेट करें, किसी भी तरह मदद कर सकते हैं और जरूर जब जहां अच्छा काम हो रहा है उसको भी आगे तक पहुंचाएं, सबको बताएं कि जिना में कितनी जबरदस्त चीजें हो रही हैं. इसके साथ अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होगी नई शो के साथ, नई बातों के साथ. अल्लाह हाफिज. आज की अच्छी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर पहलवान वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखता है.